माइग्रेन या आधे सर का दर्द आमतौर पर सर के एक जानिब शुरू होता है और धीरे धीरे मुतदिल से शदीद हो जाता है, यानी सर में दर्द की शदीद लहरें उठती हैं। माइग्रेन 4 घंटे से 3 दिन तक रह सकता है और आमतौर पर 1 महीने में 1 से 4 बार होता है। कुछ लोगों को दर्द के साथ साथ दीगर अलामात भी दरपेश होती हैं, जैसे रोशनी, शोर और बो की हसासियत, मतली या उल्टी, भूख में कमी और पेट या पीठ में तकलीफ होना। जब किसी बच्चे को माइग्रेन होता है तो इसका रंग पीला लग सकता है, इसे चक्कर आते हैं और आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देता है, बुखार और पेट भी खराब हो सकता है। माइग्रेन से कुछ बच्चों के निज़ाम इनाजाम के मसले भी होते हैं, जैसे उल्टी करना। माइग्रेन खानदान में चलता रहता है। ज्यादातर बच्चे और नौम्र अफराद 90% जो माइग्रेन का शिकार हैं, वो जीनियाती वजह से हैं। अगर दोनों वालिदैन को माइग्रेन की शिकायत हो तो बच्चे में इसके होने का 80% इम्कान होता है, और अगर किसी एक को ये शिकायत है तो बच्चे में इस मर्ज के होने का 45% से 50% इम्कान होता है। अपने सवालात और ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तीमारदार, हमें है आपका ख्याल।